हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए थोड़ी सब्जी मंडी से मंगाई है सब्जियाँ। तो ये सब्जी में देखिए, हमारे बड़ौदा में तो मूली आना शुरू हो गई है 1-1.5 महीने से। तो बढ़िया सी मूली आई है, पत्ते भी अच्छे हैं, तो इसका तो मैं साग बना लूँगी। और ये मूली और ये गवार फली या गुड़थी या क्लस्टर बीन्स, और ये है गिलोड़ा या टिंडोड़ा या कुंदरू। तो ये देखिए कुंदरू भी आए हैं और परवल भी आए हैं साथ में। और ये बढ़िया सी हरी धनिया, हरी धनिया बिना तो चलता ही नहीं है। ये देखिए एकदम छनछनाती हरी हरी। और ये देखिए, जब सब्जी लेने जाते हैं उधर पास में ही एक विलेज डेयरी फार्म है, तो खुद की ही भैंसे वैसे हैं। तो ये देखिए फुल फैट दूध उस दिन आ जाता है। और अभी देखिए ये गेहूं का आटा, ये बाहर यहाँ गुजरात में बहुत फाइन पीसते हैं, पर अभी बारिश की वजह से हमने अपनी चक्की बंद रखी है। तो ये फाइन आटे के साथ थोड़ा मैंने मोटा आटा भी मंगाया है। और ये आया है केला। और इसी के साथ साथ ये देखिए मंगा लिया है डिनर के लिए पाव भाजी। तो ये यम्मी सी पाव भाजी आ गई है। प्याज है, नींबू है, बन है, और ये धनिया तो घर से लिया है। तो बस एंजॉय करते हैं और ये सब्जियों को ठिकाने लगाते हैं, दूध आटा सब कुछ। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए बढ़िया सा आज पाव भाजी खाने का मन कर गया, तो बाहर से मंगाई है बटर वाली पाव भाजी। नींबू प्याज बन आए हैं और साथ में धनिया मैंने घर से डाला है। और ये मैंने सब्जियां मंगाई थी, तो ये सब्जियां भी बढ़िया से साफ़ कर लेते हैं। दूध आया है, सब सामान अब ठिकाने लगाते हैं। सौदा आया है, सौदा को ठिकाने लगाएंगे, भाजी को साफ़ करेंगे। चलिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो माई फेसबुक पेज। थैंक यू।